एक गुस्ताखी मैं करना चाहता हूं जजेस। सुरेश जी एक बात मुझे पता है और मुझे पता नहीं कि कितने लोगों को ये बात पता है या नहीं पता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था सर। पता नहीं किस मुसीबत में डालने वाले हो। नहीं सर, कोई मुसीबत नहीं है सर। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि सुरेश जी जब आज 30 साल की उम्र में इतने हैंडसम है, तो सोचिए 18-20 साल की उम्र में क्या होता होगा। ओ, आग लगती होगी, आग। तब पद्मा जी कैसे ऐसे से करके गिर जाती हूँ। सर मुझे ऐसा सुनने में आया है, मैं आप ही कंफर्म कर सकते हैं, लेट 80s या अर्ली 90s में एक बहुत ही जो हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस एवर हैं, उनकी शादी का ऑफर हमारे वेरी ओन रॉक स्टार माइस्ट्रो सुरेश जी को आया था। ओ माय गॉड, इतना सस्पेंस, आई वांट टू नो। सर शर्मा रहे थे, सर शर्मा रहे, सर मैं नहीं बता सकता। देखिए नाम बताइए प्लीज, छोटा मुंह बड़ी बात हो गई है। सुनना है, नाम सुनना है, एवरीबॉडी कम ऑन, वी वांट टू नो। वो नाम लेने के लिए मेरे दिल में थक थक हो रही है। व्हाट? नहीं 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 नहीं, बस मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। नहीं नहीं, क्या ये सच है सर? और मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। आदित्य तो तुम सर, कितना सर, बोलोगे? मुझे लगता है तुम्हें 1-2-3 हो जाना चाहिए और सुरेश जी को बोलने देना चाहिए। आप ही कंफर्म कीजिए सर, क्या ये सच है? क्या पद्मा ऐसा कुछ हुआ था? आप ही को पता। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ कि पद्मा नाम की माधुरी मुझे मिल गई है। What? क्योंकि जो कुछ पूछना चाह रहा है वो, मैं तो ऑन द टेलीविजन ये कहना चाहता हूँ कि क्या माधुरी ऐसा सच्ची में हुआ था? तो उन्हीं से हम लोग जवाब मांग लेते हैं। तो 100% किसी दिन मुझे पकड़ के मारने वाली है कि क्या तुमने लगाया हुआ है यार। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, भगवान उसको बहुत सारी खुशियों से सराबोर जिंदगी दे भगवान, यही गणपति बाप्पा के चरणों में प्रार्थना करूंगा।